दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको 21 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी कि अप्रैल माह के इन 10 दिनों के अंदर मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जा दोस्तों 5 शुभ समाचार और बड़ा सरप्राइज मिलेगा आपको भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से 21 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी कि इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से इन दिनों सूर्य का शुभ योग, कार्य सिद्धि योग, सौभाग्यवान योग, राजयोग और एक धन योग बन रहा है, जिसमें कि अब यूं कहें सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की आपको प्राप्ति होने वाली है। 5 शुभ समाचार, बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, इसलिए सारे काम छोड़कर वीडियो को अभी देखें और पूरा देखें। बता दें कि ये जो 5 बड़ी खुशखबरियां हैं, ये जो बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, ये खुशखबरियां हैं, ये खुशखबरियां आपके बिजनेस व्यापार से संबंधित हैं, आपके करियर से संबंधित हैं, प्रेम संबंधों से संबंधित हैं, घर परिवार से संबंधित हैं, धन प्राप्ति से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं। यकीन मानिए ये खुशखबरियां जब आपको प्राप्त होंगी, घर परिवार खुशी से नाचने लगेगा। इतना अच्छा समय है, भाग्योदय का समय। तो दोस्तों विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार 21 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी कि 10 दिनों का समय रहेगा, 10 दिनों का सटीक राशिफल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो में हम आपको बड़ी खुशखबरियों के बारे में तो जानकारी देंगे ही देंगे, साथ ही साथ कुछ जरूरी बातें, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को बताएंगे जो कि इन 10 दिनों में आपको बरतनी होंगी, तभी आपको इस समय का लाभ मिलेगा। अन्यथा दोस्तों आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आया हुआ भी आपके हाथ से निकल जाएगा यदि आप इन सावधानियों को भी नहीं बरतेंगे। आज केवल नसीब वाला ही होगा जो इस वीडियो को देख पाएगा, इतनी महाभाग्यशाली सौभाग्यशाली वीडियो है। जब दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान सूर्यदेव का नाम लेकर भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करना और जय सूर्यदेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, आपके घर परिवार के ऊपर भगवान सूर्यदेव की सदैव कृपा बरसे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी राशि वालों के लिए 21 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी कि 10 दिनों का यह समय रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का आप सदुपयोग करें, समय का लाभ उठाएं, इसका सम्मान करें। अब आपको लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं, लाभ के नए मार्ग भी आपके लिए प्रस्त होंगे। साथ ही साथ किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ आप धार्मिक आयोजन में भी जा सकते हैं, इसका अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ अब परिस्थितियों में सकारात्मक रूप से बदलाव आने वाले हैं। समस्त जो भी परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, वे सभी परिस्थितियां आपके पक्ष में होने वाली है। सकारात्मक परिवर्तन आप देखेंगे, परेशानियां खत्म हो रही हैं, इसका अनुभव करेंगे आप इस समय। कई नए अवसर भी आपके लिए सुलभ होंगे, नए नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, कामयाबी के, सफलताओं के यूं कहीं झंडे गाड़ने वाले हैं वह। यही अनुभव आपके आगे वैवाहिक जीवन में भी काम आएगा। विपरीत परिस्थितियों का हल निकालने में भी आप सक्षम रहेंगे। कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो आपको विचलित नहीं करेगी, उसका समाधान निकाल लेंगे आप, कैसी भी परिस्थिति हो। समय बहुत ही सुखद रहने वाला है, इसका अनुभव करेंगे आप। आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होगी, आमदनी के नए नए स्रोत आपको प्राप्त होने वाले हैं। रुका हुआ पैसा है वह भी आपको वापस मिल सकता है। पिछले कुछ समय से जो कार्य अटके हुए थे वे अब पूर्ण होने वाले हैं। आपके करियर से जुड़े हों, व्यवसाय से जुड़े हों, समस्त कार्य पूर्ण होने वाले हैं आपके। और अपनों के बीच यदि आप समय व्यतीत करते हैं तो आपको आत्मिक
खुशी का अनुभव होगा। इसलिए कुछ समय व्यस्तता के बावजूद घर पर जरूर व्यतीत करें, आप अपनों के बीच में व्यतीत करें। साथ ही साथ यदि संतान के विदेश जाने संबंधी पढ़ाई को लेकर या नौकरी को लेकर कोई योजना है तो उसमें भी कार्रवाई शुरू कर दीजिए, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और अब आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना या फिर शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक सुकून का अनुभव करेंगे आप। और समझदारी से किया गया धन का निवेश आपको भविष्य में फायदेमंद देगा, फायदेमंद रहेगा, फायदा पहुंचाएगा। समझदारी से करें आप धन का निवेश, लाभ मिलेगा आपको। पिछले कुछ समय से आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के उचित परिणाम अब आपको हासिल होने वाले हैं। आपको जिस भी क्षेत्र में आपने कड़ी मेहनत की है, पढ़ाई से जुड़ी हो, नौकरी से संबंधित हो, कार्य व्यवसाय से जुड़े हो, कोई भी कार्य आपने कड़ी मेहनत से किया है तो उसके उचित परिणाम अब आपके पक्ष में आने वाले हैं। रुकावटें वे बाधाओं के बावजूद सभी महत्वपूर्ण कामों से आप निमटने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा समय है, समय मान प्रतिष्ठा वर्धक रहेगा। आसपास के लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत आप करें, इससे आप स्वयं को हल्का व तनाव मुक्त महसूस करेंगे। दैनिक कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यों को भी आप बड़ी सहजता से पूरा करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आस पड़ोस में संबंधों को उचित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। विरोधी आपके ऊपर हावी होंगे परंतु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखें कि कभी कभी आपका उग्र स्वभाव, गलत व्यवहार आपके लिए परेशानी का भी कारण बन सकता है। इसलिए व्यवहार में नर्मता रखें, वाणी पर मधुरता बनाए रखें, संयम रखें, तो इससे आपको ही फायदा होगा। जो काम नहीं भी बनने होंगे वे भी पूर्ण हो जाएंगे आपके। सरलता स्वभाव रखें। और दोस्तों एक खास और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो भी कार्य करें अपने भविष्य को लेकर, भविष्य में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों कोशिश ये करें किसी के समक्ष जाहिर ना करें आप उन कार्यों को। यूं कहें कि अपने गुप्त राजों को, बातों को किसी के समक्ष जाहिर ना करें। होता क्या है, आप बड़े भोले भाले हैं, बहकावे में जल्द आ जाते हैं। सबसे पहले तो देखो कड़वा वचन है लेकिन सत्य है, बहकावे में नहीं आना है, अपने सीक्रेट्स नहीं बताने होते हैं किसी को। जो कार्य करें चुपचाप कर लें, शुरुआत कर दें, किसी को ना बताएं हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपको ही इसमें लाभ नहीं मिलेगा, हानि का सामना करना पड़ेगा, उसका फायदा कोई और उठा लेता है। तो ये भी ध्यान रखें कि कभी किसी को अपने भेद ना बताएं, आप जो करना है कर दीजिए। बहुत ही रामबाण मंत्र है ये, कामयाबी का, सफलता का यही मंत्र दोस्तों, मान के चले, यही माने आप। किसी को कुछ नहीं बताना, कर दें जो करना है। और आपको यह भी बता दें कि साथ ही साथ यदि घर परिवार में, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है किसी की, तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। घर में ग्रह क्लेश किसी कारण से होता है तो वह भी समाप्त होने वाला है। धीरे धीरे आपके अल्प प्रयास से, अच्छे व्यवहार से वह दूर हो जाएगा। और धन के मामलों में भी सावधानी आपको बरतनी है। इस समय में वैसे तो आपको इस समय में धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। ये ग्रह नक्षत्रों की चाल बता रही है, परंतु धन की खर्च की अधिकता भी रहने के बावजूद आपको इस पर संयम रखना है। धन की खर्च अधिक रहेगी परंतु सावधानी पूर्वक कार्य करनी है, कम से कम आपको खर्च करना है, हिसाब से करें। और दोस्तों अब आपके करियर व्यवसाय से जुड़ी बातों पर चर्चा करें तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे व्यापार में इस समय खास मुनाफे के योग हैं। समय अच्छा चल रहा है, व्यवसायिक दृष्टि से लाभ मिलेंगे, रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, कर्मचारियों का भी आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे दोस्तों इस समय।
स्थान परिवर्तन की भी संभावना है। यदि आप स्थान परिवर्तन संबंधी कोई कार्य हैं, तो अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श अवश्य कर लें, इसमें आपको कामयाबी प्राप्त हो सकती है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। और जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार संबंधी कोई शुभ समाचार उनको प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी से संबंधित कोई इंटरव्यू दिया हुआ है आपने पिछले कुछ समय में, या कोई परीक्षा दी हुई है, तो उसके उचित परिणाम आपके पक्ष में साबित होने वाले हैं। समय अच्छा रहेगा, इससे क्या होगा कि आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, धन प्राप्ति के आपको अवसर प्राप्त होंगे, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, अच्छा समय कहा जा सकता है आपके लिए। और दोस्तों साथ ही साथ यदि कोई बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी उचित मुनाफे अब कमाएंगे वह लोग। परंतु सावधानी यह बरतें कि अपनी महत्वपूर्ण फाइलें व दस्तावेजों को संभाल कर रखें, उनके खोने या चोरी होने की भी आशंका है। युवा वर्ग खास तौर पर सुन लें, अपने करियर के प्रति गंभीर रहें, समय को व्यर्थ ना करें, नष्ट ना करें, अपने करियर से संबंधित योजनाओं पर विचार विमर्श करें और आगे बढ़ें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी बनी हुई है कि अब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही अच्छा समय, भरपूर लाभ उठाएं, हास्य ना जाने दें समय को। और अब कुछ चर्चाएं आपकी प्रेम संबंधों से जुड़ी करें, लव लाइफ से जुड़ी करें। तो दोस्तों प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने में कुछ रुकावटें आ सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, परंतु समय के साथ साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी और पति पत्नी के संबंधों में यदि कुछ तकरार हो रखी है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो दोस्तों इससे भी निजात मिलने वाली है आपको, वह दूर हो जाएगा अल्प प्रयास से और पुनः प्रेम संबंधों में मधुरता आ जाएगी। वैसे तो कोशिश ये करें कि आपस में ना झगड़ें, क्योंकि इसका असर घर परिवार पर भी पड़ता है। लड़ाई झगड़ा बंद कर प्रेम संबंधों को पुनः अच्छा करें और एक दूसरे का साथ दें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बच्चों की समस्याओं को लेकर जीवन साथी के साथ कुछ नोकझोंक भी रह सकती है, इसलिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय परिवार के लिए निकालना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। घर परिवार के लिए भी समय निकालें। वैसे प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और मन मुताबिक परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब स्वास्थ्य संबंधित चर्चाओं पर बात करें, तो दोस्तों आपको सब प्रथम तो यह बता दें कि आपका इस समय स्वास्थ्य उत्तम रहे, किसी प्रकार की चिंता आप ना करें। परंतु यदि आपकी कोई अव्यवस्थित दिनचर्या है, तो उसको ठीक कर लें आप। अगर दिनचर्या ठीक नहीं है, तो उसको ठीक कर लें। सुबह प्राणायाम का सहारा लें, योगासन करें, घूमें, सैर करें, तनाव मुक्त रहें, योगा तथा व्यायाम पर कुछ समय व्यतीत करें, सब आपको अच्छा महसूस होगा और इससे आप तनाव मुक्त भी रहेंगे और बीमारी से बचे रहेंगे। तो स्वास्थ्य के प्रति भी कुछ ना कुछ समय जरूर निकालें, इससे आपका ही फायदा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।